गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट सेंटेंस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस इन दिस क्लास वी विल स्टडी द पार्ट ऑफ सेंटेंस इन मोर डिटेल देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सब्जेक्ट द सब्जेक्ट यूजुअली अपीयर बिफोर द प्रेडिकेट टू शो what the sentence is about or who or what performs the action types of subjects the subject may be one word or several words simple subject the subject may be just one word a noun or a pronoun for example kavita laughed he laughed such a subject is called simple subject compound subject two or more nouns pronouns or noun phrases may be linked by and to make a compound subject for example kavita and vanita will dance here she and you always come late my younger brother and your younger sisters are friends complete subject the subject may be a noun phrase that is a word group made up of a main noun any modifier determiner such as the a her adjective phrase such a subject is called complete subject example a poor man with a stick तो पार्ट ऑफ सेंटेंस इस कक्षा में आप क्या पढ़ेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में सेंटेंस का क्या हिस्सा होता है वाक्य का इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके बताया जा रहा है कि इसमें जो है दो मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस है एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिलाकर ही एक वाक्य बनता है जैसा पहले ही बताया गया कि व्हाट इज सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है जो कि प्रेडिकेट के पहले आता है और वह क्या बताता है सेंटेंस के बारे में और किससे संबंधित है जैसे मैंने बताया था राम इज ए गुड बॉय तो राम के बारे में बता रहा है गुड बॉय कौन है राम है गुड बॉय कौन है राम है पार्ट्स ऑफ टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट अब ये नाउन प्रोनाउन के आधार पर या वर्ड के आधार पर सब्जेक्ट कई प्रकार के होते हैं एक सिंपल सब्जेक्ट होता है साधारण द सब्जेक्ट में भी जस्ट वन वर्ड नाउन और प्रोनाउन इसमें केवल एक सब्जेक्ट आता है या तो नाउन रहेगा या तो प्रोनाउन रहेगा जैसे फॉर एग्जांपल नाउन में कविता लाफ्ड कविता हंसती थी ही लाफ्ड वह हंसता था अब इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं इनको हम सिंपल सब्जेक्ट कहते हैं कंपाउंड कंपाउंड यानी समूह होता है इसमें दो या दो से अधिक नाउन हो प्रोनाउन हो या नाउन के कुछ फ्रेज हो जो कि लिंक होते हैं एंड से लिंक होने के कारण इसे हम यानी एंड से जोड़ देते हैं और इसको हम क्या कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल कविता एंड बनिता विल डांस हियर कविता और बनिता अब यहाँ क्या करेंगी डांस करेंगी सी एंड यू वह और तुम हमेशा आते हो लेट आते हो कैसे आते हो हमेशा लेट आते हो माई यंगर ब्रदर एंड योर यंगर सिस्टर मेरा छोटा भाई और तुम्हारी छोटी बहन क्या है फ्रेंड है तो इस प्रकार के जो सब्जेक्ट हो गए कंपाउंड सब्जेक्ट हो गए कंप्लीट सब्जेक्ट क्या है एक पूर्ण सब्जेक्ट इसमें नाउन फ्रेज दैट इज ए वर्ड ग्रुप मेड अप ऑफ जिसमें क्या क्या बनता है ये मेन नाउन एक रहता है एनी मॉडिफायर रहता है डिटरमाइनर रहता है जैसे द लग जाता है ए लग जाता है हर लग जाता है एडजेक्टिव फ्रेज लग जाता है कुछ उसकी विशेषता बताते हैं किसकी सब्जेक्ट की विशेषता बताता है ऐसे इसको हम कंप्लीट सब्जेक्ट कहते हैं सब्जेक्ट की विशेषता क्या बताता है ए पुअर मैन विथ ए स्टिक केम थैंक यू